नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के 14वें मैच में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज का सामना इंग्लैंड से दुबई के मैदान पर हुआ। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीता और वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी थमाई थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इस मैच में कहर बरपा दिया था और आदिल राशिद ने सिर्फ 2.2 ओवर में 2 रन देकर 4 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी और वेस्टइंडीज की टीम 14.2 ओवर में ही 55 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम ने 30 रन के अंदर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। इस दौरान अकील हुसैन ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले और दोनों ही विकेट उन्होंने अपनी गेंदों पर कैच लेकर निकाले। पहले उन्होंने जॉनी बेस्टो का कैच पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद पर निकाला। जॉनी बेस्टो 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद उन्होंने पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन को एक खूबसूरत कैच लेकर चलता कर दिया। लियाम लिविंगस्टोन ने गेंद को सीधे खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद अकील हुसैन से काफ़ी दूर जा रही थी। अकील हुसैन ने शानदार अंदाज में अपने दाईं ओर डाइव लगाते हुए धमाकेदार कैच लपक लिया। लियाम लिविंगस्टोन 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। हालांकि अंपायर ने काफ़ी देर तक अकील हुसैन की इस कैच को देखा क्योंकि जब वो कैच लेकर उनका हाथ नीचे की ओर जा रहा था तो ऐसा लगा मानो गेंद जमीन को छू रही है, लेकिन बार बार रिप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर ने यह फैसला किया। अकील हुसैन ने एक शानदार कैच लपका है और लियाम लिविंगस्टोन को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने 8.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 56 रन बनाकर यह मैच 6 विकेटों से जीत लिया और टी20 विश्व कप की शानदार शुरुआत कर दी। आपको बता दें मोइन अली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।